हेलो दोस्तों, मैं आज की वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज हम पढ़ेंगे लेसन टू। कविता का नाम है घर। चलिए तो हम घर कविता को सुनते हैं और इसको समझते हैं और इसका प्रश्न अभ्यास भी करेंगे। पहले हम इस कविता को सुनते हैं सेजल प्रिया के द्वारा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सेजल प्रिया। मैं आज आपको घर की कविता सुनाऊंगी। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खान में नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सागर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसी विस्मित जता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। बच्चों, हमने देखा कि घर कविता कैसी है, अच्छी है। चलिए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। घर कविता जो है श्री देवीक रमेश जी ने लिखी है। कवि कहते हैं कि एक बच्चे के मन में घर से जुड़े कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो वह अपने पिता से पूछ रहा है। बच्चा जानना चाहता है कि उसे अपना घर इतना क्यों भाता है। वह दुनिया में चाहे कहीं भी घूम ले खेल ले परंतु वह अपने घर पर कभी नहीं भूलता है। बच्चा पिता से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या उसकी तरह उसके पिता को भी अपना घर कभी नहीं भूलता है। बच्चा पिता से प्रश्न पूछता है कि क्या उसकी तरह उसके पिता को भी अपना घर माँ की गोदी की तरह आरामदायक नहीं लगता। बच्चे को जो है अपना घर ममता से भरा हुआ और सुंदर घर माँ की गोदी जैसा लगता है। बच्चे का मानना है कि जब भी बाहर से सब थक कर घर आते हैं तो घर खुले दिल से उनका स्वागत करता है और उन्हें खिला पिला कर नई स्फूर्ति और ताजगी से भर देता है। इस कहानी का यह अर्थ था बच्चों। तो हमने इस कहानी का अर्थ समझा। चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, मुझे मेरे घर में सबसे सुंदर अपना कमरा लगता है क्योंकि यह बहुत सुंदर और खिलौनों से भरा हुआ है। इसकी छत पर चांद तारे बने हुए हैं जो रात को चमकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। आपको कब कब घर की याद आती है? इसका उत्तर हो जाएगा, जब मैं घर से बाहर खेलने जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ या बाहर घूमने जाता हूँ तो मुझे घर की याद आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार बच्चे को माँ की गोद में बैठकर आराम और सुख मिलता है ठीक वैसे ही हमें अपने घर में सुख और आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। इसका उत्तर बच्चों, आप लोग अपने कक्षा में खुद अपने घर में कोई काम किया हो, अपने मम्मी का मदद किया या पापा की मदद की हो, ये घटना आप अपने वहाँ सुना सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे देखते हैं, ठीक है? आगे है बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, लिखा है घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए, है ना? आप ये कविता याद करके अपने पापा को अपनी मम्मी को सुना सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है। इसमें कह रहा है बच्चों, अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। जैसे कि एक साइड लिखा है आपकी माँ की बहन, है ना? आपकी माँ की बहन आपको क्या लगेगी? तो आपकी माँ की बहन आपको मौसी लगेगी, आपकी माँ के भाई मामा लगेंगे और आपके पिताजी की बहन क्या लगेंगी? तो बुआ जी लगेंगी, है ना? अब आपके पिताजी के भाई क्या लगेंगे? तो चाचा जी लगेंगे।
तो बच्चों हमें ऐसे करके कॉलम में भर देना है। तो हमने बच्चों आज हमने टू लेसन का प्रश्न अभ्यास किया और कविता भी सुनी। आपको सेजल की कविता कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर हम लेसन बाय लेसन सारे अभ्यास का प्रश्न बना करके प्रश्न उत्तर डालेंगे, ठीक है, और कविता को अच्छे से समझाएंगे भी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।